बिशंबर सिंह। तो सर अभी हाल ही में राहुल गांधी ने कहा है कि वो देश के पीएम बनेंगे अगर उन्हें बहुमत मिलेगा, तो आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि राहुल गांधी को बहुमत नहीं मिलेगा, बिकॉज उसके बहुत सारे रीज़न हैं। एक तो उनको नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, जैसे कि किसी फंक्शन में उनसे पूछा गया था कि एनसीसी के ऊपर, तो उन्होंने बोला कि आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ एनसीसी। ओके, जो बंदा ये नहीं जानता है कि एनसीसी हमारी कंट्री में क्या चीज़ है, ठीक है। और मैक्सिमम टाइम जैसे अभी मोदी जी ने चैलेंज दिया था, ओपन चैलेंज, कि 15 मिनट विदाउट देखे हुए उनको बोलना है, लेकिन अभी उनका एक वीडियो आया उस पर 1 मिनट में उन्होंने 10 टाइम्स देखा है। तो जो बंदा कुछ बोल ही नहीं पाता है, कुछ उसको समझ में नहीं आता, तो कैसे बनेगा पीएम? और दूसरा, कांग्रेस का इतना बुरा हाल हो रहा है कि बाकी 2014 में कितना मेजोरिटी से आया बीजेपी, और बाकी स्टेट्स में भी आप देख लो जितने भी इलेक्शन हुए हैं कितना अच्छे से बीजेपी जीती है और कितना बुरी तरह से कांग्रेस हारी है। तो मुझे नहीं लगता कि 2019 में अब कितना टाइम बचा है, आ ही गया है। और इनके जितने भी जो नेता हैं हिंदू मुस्लिम का करवाते रहते हैं मैक्सिमम टाइम पे, बोलते बीजेपी को हैं कि हिंदूवादी है, ऐसा मुझे तो नहीं लगता। जो भी कंट्री के लिए अच्छा काम करेगा वही जीतेगा। और आज मुझे लगता है कि मोदी जी, आप वर्ल्ड में देख लीजिए कितना ओवरऑल अच्छा कर रहे हैं वो लोग, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस 2019 में नहीं आएगा।